मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर प्रदेश से ही खबर, जहां यूपी में भी मौसम का मिजाज बदला है। राजधानी में बारिश का दौर जारी है, तेज हवा के चलते ठंड भी बढ़ी है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो बढ़ रही है ठंड, जबकि ये सीजन ठंड के जाने का होता है, और ये भी कहा जाता है कि होली तक ठंड जो है वो जाने का रुख तो करती है लेकिन बनी रहती है। लेकिन अभी बारिश और ओले भी पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हो रहा है, किसान परेशान है, खड़ी फसल खराब हो जा रही है। तो काफ़ी चिंता में किसान भी है इस मौसम को लेकर, लेकिन इसको लेकर पहले से ही मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर रखा था। उमंग हमारे साथ बने हुए। उमंग, अभी मौसम किस तरीके का बना हुआ है उत्तर प्रदेश में? जी पारुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग ने जो अपनी चेतावनी जारी की थी उसमें साफ था कि 1 मार्च से 4 मार्च तक यूपी में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो कल रात से ही लखनऊ में लगातार जो बारिश है, जो पानी है वो बरस रहा है। बता दें आपको कि इससे जो किसानों की फसल है उसको भी खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। चाहे हम बात करें लखनऊ की, जौनपुर की, बलिया की, गोरखपुर, बाराबंकी, तमाम जो जिले हैं यूपी के, उन सभी में मूसलाधार बारिश जो है वो लगातार हो रही है। अभी यूपी में कहीं ओला गिरने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि जिस तरह से मौसम अपना रुख बदल रहा है, ठंड जा नहीं रही है बल्कि बारिश के साथ ठंडी हवाएं जो है वो और बढ़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। फारूक, तो कुल मिला के कल देर शाम से लगातार राजधानी लखनऊ में बरसात हो रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो किसान है, किसानों की खड़ी फसल को बरसात की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। बता दें आपको कि इस समय खेत में सरसों और गेहूं की जो फसल है वो खड़ी है, और बारिश की वजह से जो किसानों की फसल है उसको काफी नुकसान हो रहा है। बाराबंकी और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कई अन्य जिलों से खबरें सामने आई थी कि वहां से गेहूं और सरसों की किसानों की खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि सीएम योगी ने भी साफ किया था कि गेहूं की खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है, और गेहूं की खरीद के लिए किसान जो है वो लगातार मंडी परिषद अपनी फसल को लेकर पहुंच रहे हैं, और उनका जो भुगतान है वो 24 घंटे के भीतर उनके अकाउंट में कर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम अपना मिजाज बदल रहा है, इससे कहीं ना कहीं आम जनमानस जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि दिन भर बारिश हो रही है और इसके साथ ठंडी हवा चल रही है, और बीच में जो कुछ देर की धूप निकलती है उससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जी पारुल, बिल्कुल, ऐसे में लोगों को भी परेशानी हो रही है, और बदलता मौसम लोगों को परेशानी तो दे ही रहा है, किसानों को भी परेशानी दे रहा है, और ऐसे में कई भी काम और भी प्रभावित होते हैं। उमंग, मैं अगली खबर पर आपसे जानकारी लूंगी, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया उमंग जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी उमंग हमारे साथ बने हुए थे, तमाम खबरों में खबरों को लेकर उमंग हमें जानकारी दे रहे थे, और मौसम को लेकर हम आपको जानकारी दे रहे थे, जहां उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर बताया गया कि ओले नहीं गिरे हैं और बारिश का दौर है, लेकिन जो फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है।